अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, चैप्टर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। मिड ब्रेन इज द मिडल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। इट इज वेरी रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मीन्स स्मॉल इन साइज। Second, it acts as relay center, mean analyzing of information or input. जो information और input आती है specially reflexes से related, उसे ये क्या करते हैं, analyze. Third, it also contains reticular formation. Reticular formation is that part of your brain which plays role in screening of information. जो कि इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग में रोल प्ले करता है, मीन कि नेसेसरी एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है उन्हें क्या करता है, सेपरेट। नेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस देता है टू द ब्रेन, ब्रेन तक जाने देता है, और जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें हमारे इर्द गिर्द जो नॉइस पोल्यूशन होती है उसे ये ब्लॉक कर देता है, और उसे इंफॉर्मेशन को ये क्या कर देता है, डिस्कार्ड, उसे ब्रेन तक एक्सेस नहीं देता अनटिल अनलेस हम उस पर खुद अटेंशन पे ना करें। सो रेटिकुलर फॉर्मेशन प्लेज रोल इन स्क्रीनिंग ऑफ वर्ड, इन स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट इज ऑफ मीडियम साइज। इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर थ्री पार्ट, मेडुला, पॉन्स, सेरिबेलम। मेडुला कंट्रोल्स सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस सच एज ब्रीथिंग, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, हार्ट रेट। थर्ड, ब्लड प्रेशर। एंड फोर्थ वन इज स्वॉलविंग, यानी कि खाने वगैरह को निगलना। ये चार फंक्शन, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वॉलिंग, कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला। पॉन्स कंटेन न्यूरॉन्स दैट इज लोकेटेड अबव द मेडुला एंड इट कंट्रोल आवर स्लीप एंड अवेक साइकिल। स्लीप एंड अवेक साइकिल, सोने जागने के जो साइकिल्स हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। एंड आल्सो आवर ब्रीथिंग पैटर्न, और जो ब्रीथिंग पैटर्न है, ब्रीथिंग पैटर्न, वो भी कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। सेरिबेलम, सेरिबेलम इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। द सेरिबेलम गाइड्स आर स्मूथ मसल्स एंड आल्सो कंट्रोल आर बॉडी पोजीशन। जो सेरिबेलम है ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मसल्स के साथ, और हमारा जो पोस्चर है, बैठने का अंदाज, उसे भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। एंड आल्सो प्ले रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी मेकिंग एंड मेमोरी स्टोरेज। सेरिबेलम आल्सो प्रिपेयर्स आवर बॉडी फॉर स्ट्रेस सिचुएशन और एमरजेंसी सिचुएशंस, उनसे निमटने के लिए भी हमें कौन रेडी करता है, हमारा सेरिबेलम। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन रिड्यूस्ड पार्ट है, एक्ट करता है एज अ रिलाय सेंटर, मीन एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन मिड ब्रेन,
स्क्रीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में रोल प्ले करता है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस देता है टू द ब्रेन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, डिस्कार्ड। सेकंड, हाइंड ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबेलम। द फंक्शन ऑफ मेडुला इज टू कंट्रोल ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलिंग एक्शन। पॉन्स इज कंट्रोल स्लीप एंड अवेक साइकिल एंड ब्रीथिंग पैटर्न। सेरिबेलम कंट्रोल मसल मूवमेंट, आर पोस्चर, आर लर्निंग, स्टोरेज एंड मेकिंग ऑफ मेमोरी एंड प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एमरजेंसी सिचुएशन और स्ट्रेस सिचुएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आर टूडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। दैट इज आवर टुडेज लेक्चर।